तो यही वीडियो रे हमें स्थानांक ज्यामिति बा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रो अनुशीलनी 6 बी पूर्वरु थिबा समस्त उदाहरण प्रश्न रो समाधान करिबा। देखो विभाजन सूत्र बा सेक्शन फार्मूला विषय रे बेसिक कांसेप्ट क्लास रे बुझै दैछि। बेसिक कांसेप्ट क्लास रो वीडियो रो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स रु मिलि जिवो। वर्तमान हमें उदाहरण 8 समाधान पाखरु आरंभ करिबा। तो लक्ष्य करो कुहा जैछि जे 1, -2 ओ -3, -4 बिंदु द्वय को जोग करू थिबा रेखाखंडर मध्य बिंदुर स्थानांक निर्णय कर। तो देखो एठारे दुईटी बिंदुर स्थानांक दिया जाइछि। धरा जाउ एठारे गोटे बिंदु अछि ए बिंदु, एठी गोटे बिंदु अछि बी बिंदु। तो ए बिंदुर स्थानांक दिया जाइछि 1, -2 एवं बी बिंदुर स्थानांक दिया जाइछि -3, -4। तो ए को बी सहित जोग कर। वर्तमान कुआ जाइछि एबी रेखाखंडर मध्य बिंदुर स्थानांक केते हेबो। धरा जाउ पी हेउछि एबी रेखाखंडर मध्य बिंदु एवं पी बिंदुर स्थानांक को एक्स कमा वाई बोली धरा जाउ। बुझियाला ना? तेबे आमे पी बिंदुर स्थानांक केमिति बाहर करिबा। देखो जेहेतु पी हेउछि एबी रेखाखंडर मध्य बिंदु तेणु बहुत सहज रे आमे पी बिंदुर स्थानांक बाहर कर दे परिबा। केमिति बाहर करिबा ना एक्स इज इक्वल टू x1 + x2 / 2 एवं वाई इज इक्वल टू y1 + y2 / 2। तो देखो x1 + x2, देखो ए बिंदुर स्थानांक हेउछि x1, y1 एवं बी बिंदुर स्थानांक हेउछि x2, y2। बुझेला? तो एठारे x1 जगह किए अच्छी 1 एवं x2 जगह किए अच्छी -3 / 2। देखो 1 + - इज इक्वल माइनस, तो 1 - 3 / 2 एक रु 3 गले केते -2 - 2/2 आमे पाइबा -2/2 अर्थात -1। बुझेला? तो x रो मान केते आसिला ना -1। वर्तमान y रो मान बाहर करिबा y1 + y2 / 2। देखो एठारे y1 जगह रे अछि -2 प्लस y2 जगह रे अछि -4/2। वर्तमान देखो -2 + - इज इक्वल -4/2। देखो -2 - 4 केते ही जीवो -6 ही जीवो। तो -6/2 -6/2 केते हेबो ना -3 ही जीवो। देखो y जगह रे हमें लिखिबा -3। वर्तमान p बिंदुर स्थानांक केते आसीबो ना x, y। x जगह रे लिखो -1 एवं y जगह रे लिखो -3। तो p बिंदुर स्थानांक आसीबो -1, -3। बुझियाला? तो आमर उदाहरण 8 समाधान सरीगला। वर्तमान देखिबा उदाहरण 9 रो प्रश्न कौन अछि। ता पूर्वरु मु एठारे उदाहरण 8 समाधान को लिभे देबी। समस्त भलो भाबरे बुझि जाइछ, कारे किछ असुविधा नै। फार्मूला सब तुमको बेसिक कांसेप्ट क्लास रे बुझे दी थी हला। चलो ठीक अछि, वर्तमान आमे उदाहरण 9 रो समाधान करिबा। देखो उदाहरण 9 रो प्रश्न कौन अछि। एठारे उदाहरण 9 रे कुआ जाइछि जे गोटी रेखाखंडर एक प्रांत बिंदुर स्थानांक दिया जाइछि 3, 5 एवं एहार मध्य बिंदुर स्थानांक दिया जाइछि 2, 1। तबे अन्य प्रांत बिंदुर स्थानांक निर्णय कर। बुझियाला? तो देखो एठी आमे गोटे रेखाखंड अंकन करिबा एबी। एबी रेखाखंडर गोटे प्रांत बिंदुर स्थानांक दिया जाइछि, मने कर ए प्रांत बिंदुर स्थानांक हेउछि 3, 5 एवं एबी रेखाखंडर मध्य बिंदु हेउछि पी। एई पी बिंदुर स्थानांक आमको दिया जाइछि मात्र केते 2, 1। आमे बाहर करिबा एई बी बिंदुर स्थानांक। बी बिंदुर स्थानांक केते? बुझियाला? तो देखो मने कर बी बिंदुर स्थानांक हेउछि x2, y2। बुझियाला? जनरली आमे ए बिंदुर स्थानांक को x1, y1 नै थाउ एवं एबी रो मध्य बिंदुर स्थानांक माने पी बिंदुर स्थानांक को x, y नै थाउ एवं बी बिंदुर स्थानांक को आमे x2, y2 नै थाउ। बुझियाला ना हलानी? वर्तमान देखो ए जो मध्य बिंदुर स्थानांक केमती बाहर ना x = x1 + x2 / 2 एवं y रो मान केमती बाहर ना y = y1 + y2 / 2। पूर्ववर्ती प्रश्न रे मध्य आमे एई फार्मूला प्रयोग करथिलु। बुझियाला ना? तो देखो x जगह रे आमे लिखि परिबा 2 = x1 जगह रे आमे लिखिबा 3 + x2 जगह रे आमे लिखिबा x2 / 2। बुझियाला ना? x2 रो मान आमे जानिनु ना। वर्तमान देखो एपाख रे जो दुईटा हरण हे कि अछि आर पाक को गले गुणन हे जीवो 2 × 4 हे जीवो एपाख रे। तो 4 = 3 + x2। ए जो 3 एपाख रे प्लस हे कि अछि बामो पाक को आसीले कोन हे जीवो माइनस है जीवो ना। तो आमे पाइबा 4 - 3 = x2। 4 × 3 = 1। तो x2 रो मान आस जीवो 1। x2 = 1।
बुझीगला। चलो वर्तमान आम वाई टू रान बाहर करवा, लक्ष्य कर ये वाई रान हो एक, तो एक सामान वाई वन जगह लिख फाइव प्लस वाई टू जगह लिख वाई टू डिवाइडेड बाय टू, बुझीगला। देख ए पाखे जो दुई हरण होर पाक को गले कौन हो एक सागर गुणन हो, तो आम पाइबा दुई के दुई, दुई सामान पाँच प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय आउ डिवाइडेड बाय कहीं दुई तो पलैला आर पाक को, बुझीगला ना। देख ये पाँच अच्छी जोग होपाक आसे कौन वियोग ना, तो आम पाइबा दुई वियोग पाँच समान वाई टू, दुई रु पाँच वियोग कले आम पाइबा माइनस तीन, तो वाई टू इज इक्वाल टू माइनस तीन, बुझीगला। तो देख एक्स टू वाई टू जगह आम लिखिपर वन माइनस थ्री, तो देख ये बी बिंदुर स्थानांक आसान कमा माइनस थ्री, बुझीगला ना हलानी, बुझी। चलो ठीक अच्छे, बर्तमान आम क्वेश्चन नंबर नाइन समाधान सरीगला, उदाहरण नौ समाधान सरीगला, बुझीगला ना। तो देख उदाहरण नौ समाधान को मुझे लिभे देवी, कहीं उदाहरण दस समाधान एठार करने पड़ बुझीगला ना। चलो ठीक अच्छे, बुझे कहार किसी असुविधा ना, ठीक अच्छे। बर्तमान आम उदाहरण दस समाधान करवा, प्रश्न पढ़। देख उदाहरण दस रश्न अच्छे ये जे ए बिंदुर स्थानांक हो दुई कमा तीन एवं बी बिंदुर स्थानांक हो पांच कमा माइनस तीन, ए आउ बी बिंदु द्वय को जोग करुवा रेखाखंड को एक अनुपात दुई रे अंतर्विभाजन करुवा बिंदुर स्थानांक निर्णय कर, तो सेक्शन फर्मूला पकईद बहुत सहजरे। देख कई ए बी हूँ गोटे रेखाखंड, ए बिंदुर स्थानांक हो दुई कमा तीन, बी बिंदुर स्थानांक हो पांच कमा माइनस तीन। वर्तमान पी एमती गोटे बिंदु ए बी रेखाखंड पी एमती गोटे बिंदु जहाँकि ए बी को एक अनुपात दुई रे अंतर्विभाजन करुच्छी, अंतर्विभाजन बेले आम सूत्र जाणीचु जदि एक अनुपात दुई रे अंतर्विभाजन करुच्छी यार अर्थ है एपी अनुपात बीपी इज इक्वाल टू एक अनुपात दुई, बुझीगला ना। यार अर्थ है एपी अनुपात बीपी इज इक्वाल टू एक अनुपात दुई। देख ये जो अनुपात अच्छे ना, प्रथम आसे एम तापर आसे एन, आम एमती नुना एम इज टू एन, बुझीगला। एम जगह आम लिखा एक, एन जगह आम लिखा दुई, बुझीगला ना। एम जगह आम लिखा एक, एम इज इक्वाल टू वन, एन इज इक्वाल टू टू, बुझीगला। तो देख एक्स वन हो दुई, वाई वन हो तीन, एक्स टू हो फाइव आउ वाई टू हो माइनस थ्री, बुझीगला। जेनेली आम पी बिंदुर स्थानांक को एक्स कमा वाई नहीं था, बुझीगला ना। मन कर पी बिंदुर स्थानांक हो एक्स कमा वाई, ये जो पी अच्छी ये ए बी रेखाखंडर मध्य बिंदु नुहे, ये पी बिंदुटी ए बी रेखाखंड को एक अनुपात दुई रे अंतर्विभाजन करुच्छी। अंतर्विभाजन बेले देख ये जो बिंदुर स्थानांक केमती बाहर ना, पी बिंदुर स्थानांक बाहर, पी बिंदुर स्थानांक हो एक्स कमा वाई, तो एक्स केमती बाहर ना एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन सूत्र प्रयोग करी, बुझीगला ना। ये हूँ सेक्शन फर्मूला। देख एम जगह के लिखा एम जगह लिखा वन इंटु एक्स टू जगह केिखा एक्स टू जगह देखनी पाँच प्लस एन जगह केिखा टू इंटु एक्स वन जगह केिखा एक्स वन जगह लिखा टू डिवाइडेड बाय एम प्लस एन मान वन प्लस टू, बुझीगला। तो देख ये आज पांच के पांच युक्त दुई दुने चार डिवाइडेड बाय दुई युक्त एक हो ते तीन। देख पांचारी नौ हुए नौ विभक्त तीन, तीन तीर के नौ, बुझीगला ना तीन। तो देख एक्स रान के तीन आस, बुझीगला ना। बर्तमान आम वाई रान बाहर करवा, वाई केमती बाहर करवा ना, वाई इज इक्वाल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। सूत्र मन अच्छे तो बेसिक कन्सेप्ट क्लास रे भल भाव बुझे देची। चलो बर्तमान वाई रान बाहर कर एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, तो एम जगह लिख एक गुणन वाई टू जगह लिख माइनस थ्री प्लस एन जगह लिख टू इंटु वाई वन जगह लिख थ्री डिवाइडेड बाय एम प्लस एन मान वन प्लस टू, बुझीगला। तो देख माइनस तीन गुणन एक हो माइनस तीन प्लस एटी तीन गुणे छ, तो छि माइनस तीन छयोग तीन होन आउ तले के आस दुई युक्त एक होन तीन बै तीन के बुझीगला ना। तो वाई रान के एक आसना, तो एक्स जगह आम लिखा तीन वाई जगह आम लिखा एक, एक्स कमा वाई होन कमा एक, बुझीगला। तो ये पी बिंदुर स्थानांक आसन कमा एक,
बुझीगला। तो एथसत आम उदाहरण दस रान सरीगला। बर्तमान देखा उदाहरण एगार प्रश्न कौन अच्छी। बर्तमान देख उदाहरण एगार प्रश्न अच्छी जे स्थानांक जमिति साहाय्य प्रमाण कर जे कौनसी त्रिभुजर दुई बाहूर मध्यबिंदु को जोग करुवा रेखाखंडर दैर्घ्य तृतीय बाहूर दैर्घ्यर अर्धेक। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न ये प्रश्नटी अच्छी। आम यहाँ क्लास नाइन में प्रमाण करूँ उपपाद्यर प्रश्न थिला जे कौनसी त्रिभुजर दुई बाहूर मध्यबिंदु को जोग करुवा रेखाखंड तृतीय बाहू सहित समांतर एवं यार अर्ध दैर्घ्य विशिष्ट से ही कथा आम प्रमाण करवाठार स्थानांक जमिति साहाय्य। देख आम गोटे त्रिभुजर चित्र ये अंकन करवा। तो ये हूँ आम त्रिभुज यार नामकरण करवा त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी रे मन कर ए बिंदुर स्थानांक हेउची एक्स वन कमा वाई वन बी बिंदुर स्थानांक हेउची एक्स टू कमा वाई टू एवं सी बिंदुर स्थानांक हेउची एक्स थ्री कमा वाई थ्री। बुझीगला ए बी बाहूर मध्यबिंदु को आम पी नाम नामित करवा से भाया देख ए सी बाहूर मध्यबिंदु को आम क्यू नाम नामित करवा। आम प्रमाण करवा जे पी क्यू हेउची बी सी बाहूर अधा। बुझीगला ना कौनसी त्रिभुजर दुई बाहूर मध्यबिंदु को जोग करुवा रेखाखंडर दैर्घ्य तृतीय बाहूर अर्धेक। बुझीगला तृतीय बाहू किए एठारे बीसी बाहू। बीसी बाहूर अधा हेब पिक्यू। बुझीगला चलो ठीक अच्छे। बर्तमान तुम्हें देख ये जो एबि रेखाखंड अच्छी एबि रेखाखंडर मध्यबिंदु किए अच्छी पी अच्छी ना एबि रेखाखंडर मध्यबिंदु किए पी। तेणु स्थानांक जमितिर डिविजन फर्मूला बा सेक्शन फर्मूला अनुजाई पी बिंदुर स्थानांक कौन आसीब पी बिंदुर स्थानांक आसीब एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू कमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय टू। बुझीगला लेख एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू कमा वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय टू। बर्तमान देख एसी बाहूर मध्यबिंदु हेउची क्यू। बर्तमान क्यू बिंदुर स्थानांक कौन आसीब ना से भाया सेक्शन फर्मूला अनुजाई एक्स वन प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय टू कमा वाई वन प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाय टू। लेख एक्स वन प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय टू कमा वाई वन प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाय टू। तो आम कौन प्रमाण करवा एठारे ना पी क्यू इज इक्वाल टू हाफ अफ बी सी। पी क्यू इज इक्वाल टू हाफ अफ बी सी। तो प्रथम आम पी क्यूर दैर्घ्य बाहर करवा पी क्यू। पी क्यू इज इक्वाल टू रूट ओवर अफ पकाओ डिस्टेंस फर्मूला पकई दियो। डिस्टेंस फर्मूला मन अच्छे कि नहीं सिक्स ए अनुशीलनी सिक्स ए रे आम डिस्टेंस फर्मूला सीखीलु दूरता सूत्र। जदि देख ये गोटे बिंदु अच्छी पी ए गोटे बिंदु अच्छे क्यू। बर्तमान पी बिंदुर स्थानांक हेउची एक्स वन कमा वाई वन क्यू बिंदुर स्थानांक हेउची एक्स टू कमा वाई टू। तो पिक्यू भितर दूरता केमती बाहर ना डिस्टेंस फर्मूला प्रयोग करके पिक्यू इज इक्वाल टू रूट ओवर अफ एक्स वन माइनस एक्स टू रो होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू रो होल स्क्वायर। ठीक से भाया एठार पिक्यू केमती आसब देख आम लिखा एटी रूट ओवर अफ एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय टू रो होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 रो होल स्क्वायर। y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 रो होल स्क्वायर। बुझीगला ना चलो ठीक अच्छे। बर्तमान आम कौन करवा ना एम लसा को नहीं जा रूट ओवर अफ तले लसा को केते आसीब दुई आउ दुई अच्छी तो लसा को भी दुई आस उपरे चल जीव एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस ही जीव। देखो जेहेतु आगुरु माइनस अच्छी ए दुटा भी माइनस ही जीवे माइनस एक्स वन माइनस ही जीव एक्स थ्री। बुझीगला टोटल टार होल स्क्वायर ही जीव। बुझीगला ना चलो ठीक अच्छे। बर्तमान ये प्लस लिखा तले एटी लसा को आसीब दुई उपरे चल जीव वाई वन प्लस वाई टू माइनस ही जीव वाई वन माइनस ही जीव वाई थ्री माइनस वाई वन माइनस वाई थ्री टोटल टार होल स्क्वायर दे दियो। देख एठारे प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन कैनसल हो प्लस वाई वन माइनस वाई वन कैनसल हो तो आम पाइबा रूट ओवर अफ देख एक्स टू माइनस एक्स थ्री बाय टू रो होल स्क्वायर। एक्स टू माइनस एक्स थ्री बाय टू रो होल स्क्वायर। एक्स टू माइनस एक्स थ्री बाय टू रो होल स्क्वायर प्लस एठी वाई टू माइनस वाई थ्री बाय टू रो होल स्क्वायर।
y2 minus y3 divided by 2 रो whole square बुझिए लाना ठीक अछि। वर्तमान देखो स्क्वायर टा उभय लब आउ हर रे करो आमे पाइबा रूट ओवर ऑफ x2 minus x3 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो स्क्वायर हे जीवो 4 से बेले देखो प्लस लेखिबा y2 / y2 minus y3 रो होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 बुझियाला ना 2 रो स्क्वायर केते हे जीवो 4 हे जीवो ना चलो ठीक अछि। वर्तमान दीटा को मिसेई दियो तळे हमर लसा को आस जीवो एठी 4 तळे लसा को केते आसीबो 4 आस जीवो ना तो मु एठी टिक लिभे दउची जंत्र दियो देखो एठी हमें लिखिबा रूट ओवर ऑफ तळे हमर लसा को आस जीवो 4 ऊपर चल जीवो x2 minus x3 रो होल स्क्वायर प्लस y2 minus y3 रो होल स्क्वायर बुझियाला ना चलो ठीक अछि। तो याकु हमें एम्ति लिखिबा ए जो डिवाइडेड बाय 4 अछि याकु हमें लिखिबा इनटू 1 बाय 4 एम्ति लिख दे परबा कि परबानी लिख दे परबा 1 बाय 4 इनटू x2 minus x3 रो होल स्क्वायर प्लस y2 minus y3 रो होल स्क्वायर टोटल टा रो रूट ओवर दे दियो। देखो 1 बाय 4 रो रूट ओवर हो छि 1 बाय 2 हो गे ना अरे 1 रो रूट ओवर 1 4 रो रूट ओवर 2 बुझियाला ना किंतु या ऊपर रूट ओवर पढले केते बाहरिबो आमे जानि परबा नाही तो सेमदी रूट ओवर देकी रखी दियो x2 minus x3 रो होल स्क्वायर प्लस y2 minus y3 रो होल स्क्वायर बुझियाला ना PQ रो दर्घ्य आमे बाहर कर देलु। वर्तमान आमे बाहर करिबा हाफ ऑफ BC केते BC रो आधा केते बाहरुची जदि BC रो आधा मध्ये एतिकि बाहरिबो तबे आपे आपे प्रमाणित होई जीवो जे PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बुझियाला ना चलो ठीक अछि। आमे बाहर कर दे छु एठारे PQ रो दर्घ्य वर्तमान आमे हाफ ऑफ BC बाहर करिबा BC बाहु रो आधा केते आसुची बुझियाला तो मु टिके लिभे दउची एठारे PQ बाहर गला केते मने रहला ना मने रहला नी मु एटी लेखि दउची PQ इज इक्वल टू एतिकी मने रखो तर पूरा प्रोसेस भी तमे मने रखिबो केमती आमे PQ रो दर्घ्य बाहर करलु बुझियाला चलो ठीक अछि। वर्तमान आमे हाफ ऑफ BC बाहर करिबा BC रो आधा तो लेखो हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ इनटू देखो BC बाहुर दर्घ्य केमती बाहरिबो BC रो दर्घ्य केमती बाहरिबो ना डिस्टेंस फार्मूला प्रयोग करिके तो डिस्टेंस फार्मूला प्रयोग करो रूट ओवर ऑफ x2 minus x3 रो होल स्क्वायर प्लस y2 minus y3 रो होल स्क्वायर लेखो x2 minus x3 रो होल स्क्वायर प्लस y2 minus y3 रो होल स्क्वायर बुझियला ना देखो समान अछि कि नहीं PQ जति की बाहरला PQ जति की बाहरला हाफ ऑफ BC भी सति की बाहरला ना बाहरला नी बाहरला तो हमें लिख दे परबा एठारे PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC बस प्रूव्ड बा प्रमाणित यही हम को प्रमाण करिया पे कहा जाईतिला लिखिबा प्रूव्ड बा प्रमाणित एथि सहित हमरो अनुशीलनी 6 बी पूर्वरु थिबा समस्त उदाहरण प्रश्नर समाधान सरी जाईची आजिरो क्लास को हम एठी रखिबा धन्यवाद।